हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं क्लास में नितेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रीपोजिशन इन, एट, ऑन, इन तीनों प्रीपोजिशन का यूज किस किस टाइम पर किया जाता है, ये इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला प्रीपोजिशन है हमारा एट। तो एट का यूज हम देखते हैं कि कहां पर किस टाइम के सेंस में हम करते हैं। तो जब भी हमको घड़ी का टाइम बताना होता है ना, तो हम एट का यूज करते हैं। यूज ऑफ एट, घड़ी का टाइम बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, वह 5 बजे आया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ही केम एट 5 o'clock। तो जो टाइम हमने बताया उससे पहले हमने क्या यूज किया है, एट प्रीपोजिशन यूज किया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सोहन 6 बजे उठता है, सोहन गेट्स अप एट 6 o'clock। तो यहां पर 6 बजे, 6 o'clock हमने लिखा है, तो उससे ठीक पहले हमने किस प्रीपोजिशन का यूज किया है, एट प्रीपोजिशन का यूज किया है। मोहन 6 बजे पहुंचा, मोहन रिच्ड एट 6 p.m. तो यहां पर जब 6 बजे हमने टाइम बताया है, तो इससे ठीक पहले हमने एट प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो आप समझे कि जब भी हमको घड़ी का टाइम बताना होता है, तो वहां पर हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब देखिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज। तो चलिए अब देखते हैं ऑन प्रीपोजिशन का यूज। ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं डे और डेट बताने के लिए। कोई तारीख पर कोई काम हुआ है या किसी दिन कोई काम हुआ है, ये बताने के लिए अपन ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए इस चीज को एग्जांपल से देखते हैं। डे और डेट बताने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का इन दोनों से पहले यूज करते हैं। यहां पर ऑन का मीनिंग क्या होता है, को, इस मीनिंग पर अपन ऑन का यूज करते हैं। वह सोमवार को आई, She came on Monday। तो यहां पर on लगाया है अपन ने मंडे से पहले। यहां पर मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, वेनसडे, इस तरह से कोई भी डे आ सकता था। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं 10 जुलाई को आऊंगा, ठीक है, तो आई विल कम ऑन जुलाई 10। तो यहां पर अपन ने जुलाई 10 से पहले on प्रीपोजिशन का यूज किया है। यानी कि हम डे और जब डेट बताते हैं, तो वहां पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और इससे पहले हमने देखा कि जब हम घड़ी का टाइम बताते हैं, तो वहां पर हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब इसके बाद में इन प्रीपोजिशन का यूज, यूज ऑफ इन, इनका हम यूज करते हैं मे के मीनिंग पर। और टाइम से रिलेटेड कहां कहां इसका यूज होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, टू शो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की जो एक लंबी अवधि होती है ना, उसको बताने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, अगर हमें वेदर बताना है, वीक बताने हैं, मंथ बताने हैं, ईयर बताने हैं, या पार्ट ऑफ डे बताने हैं, तो इन सभी टाइम के लिए अपन किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। जैसे हमें वेदर बताने मौसम, तो इन समर, इन विंटर, इस तरीके से अपन यूज करते हैं। वीक बताने यानी कि सप्ताह बताने, तो इन अ वीक, इन टू वीक्स, इस तरीके से अपन यूज करते हैं। मंथ बताने हैं, इन जनवरी, इन अप्रैल, इस तरीके से, तो अपन किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर कोई काम हमें साल के अंदर बताना है कि इस ईयर के अंदर ये हुआ, तो इन 1948, इन 2023, तो इस तरीके से अपन कोई ईयर बताते हैं ना, तो उससे पहले भी अपन इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ अवर डे बताते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ डे अगर हम बताते हैं, तो वहां पर भी अपन इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ डे कौन से होते हैं, देखिए, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इस तरीके से अपन इनका यूज करते हैं। और अगर नाइट आता है, तो उसके लिए अपन एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं।
तो ये सारे यूज हैं इनके कि कहां कहां पर अपन को इनका यूज करना होता है, वेदर बताने के लिए, वीक बताने के लिए, मंथ बताने के लिए, कोई ईयर बताने के लिए, पार्ट्स ऑफ डे बताने के लिए, यानी कि दिन के जितने भी पार्ट होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सिवाय नाइट के। नाइट के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे यूज हैं इनके। अब कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, इनसे बारी है इन प्रीपोजिशन से जुड़े कुछ एग्जांपल्स को देखने की। तो चलिए देखते हैं, मैं यह काम 2 सप्ताह में कर दूंगा, यानी कि 2 वीक, इन 2 वीक लिखेंगे अपन। आई विल डू दिस वर्क इन 2 वीक्स, ठीक है। वीक से पहले किस प्रीपोजिशन का यूज किया, इन का यूज किया। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 1869, जब अपन ने ईयर बताया तो उससे पहले अपन ने इन का यूज किया। हम गर्मियों में क्रिकेट खेलते थे या खेला करते थे। वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन समर, तो ये एक वेदर बता दिया अपन ने, तो इससे पहले भी अपन इन का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने समझा हम कब एट का यूज करते हैं, कब ऑन का यूज करते हैं और कब इन का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आपको एट, इन और ऑन का यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले इसी तरह के वीडियो लेक्चर की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।